144 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाई 9 इज इक्वल टू ए प्लस 28। तो 3 से कट जाएगा 14, तो 144 तीन किया 9, 3 चौक 12, 3 अट्ठे 24 कट जाएगा, 3 चौक 12, 3 अट्ठे 24 है ना, कट गया ना, और कट जाएगा दोबारा से, तीन कम 3, 3 छः 18 कट गया ना, 16 दो में 32, 32 इज इक्वल टू ए प्लस 28, इस साइड जाएगा तो 32 माइनस 28 इज इक्वल टू ए, बोलो कोई शक, 32 में से 28 गए तो कितने बचे, हाँ 4 बराबर ए। इतनी देर से हम करने की कोशिश कर रहे थे, अब ये थर्ड क्वेश्चन समाप्त हो चुका है, आखिरी का। चलो क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, ये एक्सरसाइज खत्म करनी है अभी। हाँ बेटा, छोटे से क्वेश्चन है बेटा ये। अब मैं इनका बस आपको डायग्राम बताऊंगा, मतलब वो बताऊंगा, एक स्केलेटन तौर पे करूंगा इन्हें, स्केलेटन क्या बोलते हैं, कंकाली तौर पे करता हूँ इनको, कंकाली तौर समझते ना, ऊपरी तौर पे बताऊंगा सिर्फ, उसमें हड्डियाँ हमारा मांस पिंजर रस्ते हैं, तुम सबको लगानी पड़ेंगे, ठीक है, और क्वेश्चनों को समझ लेना तरीके से। तो पढ़ो पढ़ो बेटा, पढ़ो बुक को, पढ़ते रहो ध्यान ध्यान से, रीड करते रहे, शब्दों को पढ़ने की प्रैक्टिस कर, और क्या प्रैक्टिस पढ़ लेती है इनके दोनों में डिफरेंस याद कर लेती है, इमेज वर्चुअल इमेज में डिफरेंस क्या होता है, तो 6 कॉल 15 क्यों कॉल रखा है, अभी नहीं खुशी देखिए इसके चेहरे पर खुशी एक दिन, हाँ बोल बेटा, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ ए पी दिस मस्ट बी टेकन टू गिव सम ऑफ 636, यानी कि वो कह रहा है कि एक ए पी है मेरे पास जो कि नंबर रखती है 9, 17 ए पी है, एक नंबर रखती है 9, 17, 25 डैश डैश डैश, वो कह रहा है कि इन सभी ए पीज का सम आना चाहिए कितना, 636 आना चाहिए, मतलब इसका टोटल हाउ मैनी टर्म्स वो पूछ रहा है, उसने सवाल में एक वैल्यू दी है, एक चीज़ दिख रहा है कि हाउ मैनी टर्म्स, सर इसे हमें एस एन दे, आप समझ रहे हो हाउ मैनी टर्म्स का मतलब क्या होता है, एन मतलब कि एन तुम्हें निकालना है, और एस एन हमें दे रखा है, एस एन तुम्हें दे रखा है, टी वी दे रखा है, डी वी दे रखा है, हर चीज़ तुम्हें दे रखी है, सवाल को समझने की कोशिश करो कि सवाल क्या कहता है, बड़ी आसानी से कर लोगे, एस एन में भाई एस एन में क्या है आपको पता है सर, हम अगर देखें हमारे दिमाग ने यह है चित्रण किया है सर, ये वाला फॉर्मूला होता है सर, हम ए की वैल्यू तो यहाँ से निकाल लेंगे, एस एन से घटा के हम डी में निकाल लेंगे, एस एन हमें दे ही रखा है सर, तो बड़ा इजीली हम एन निकाल सकते हैं, ठीक है, एट द लास्ट जाके इसमें इक्वेशन बनेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसे आपको लास्ट में जाके सॉल्व करना पड़ेगा स्प्लिटिंग मेथड से, ठीक है, अगर आप ऐसा कर पाते हो तो आप कामयाब हो। क्वेश्चन नंबर 5th बोलो, इसमें हमें एपी की फर्स्ट टर्म ए 5 दे रखा है, तो क्या दिक्कत है, मामला सही नहीं चल रहा क्या, मामला सही नहीं चल रहा क्या, कहाँ गड़बड़ हो रही है, आ जाएंगे सम समझ में 100% आ जाएंगे, अब तक कि कितने सम्स किए हैं, 5.1 5.2 करिए, वो समझ में आई है 5.1 5.2, हो गई ना, वो समझ में आ गई ना, 5.3 ए भी ईजी है, इसमें बस एस एन और ए एन को मिश्रण है दोनों का, हाँ वो अपने दिमाग से वो तो कर ले हो, अभी उल्टी दिख रही से समझ नहीं आ रही, हाँ साइड बैठ जा, यहाँ जा, फिर दिख जाएगी सीधी, नहीं जो कैलकुलेशन उसके पीछे टेंशन मत ले, कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट नहीं, कैलकुलेशन तो आप कर सकते हो, बट बात है कि सवाल जो बोल रहा है कि अगर वो समझ में आ रहा है कि क्या क्या करना है कैसे कैसे करना है, वो इंपॉर्टेंट है, हमारे सिखाने का मतलब वो है, कैलकुलेशन में हमने बहुत समय खर्च किया, कैलकुलेशन हमारे लिए दिक्कत नहीं है, पाँच सम पढ़ो इसमें, क्योंकि उसने बोल रखा है फर्स्ट टर्म, तो ए दे रखा है 5, एन दे रखा है 45, एन दे रखा 45 और एस एन दे रखा है 400, सम ऑफ द टर्म दे रखा है एस एन 400, निकालना क्या है, एन निकालना है, डी निकालना है आपको, एन निकालना है और आपको डी
डी निकालना। अभी क्वेश्चन ऐसे ऐसे बन गए जैसे हमने दस संभाल किए हैं ना, सेम टू सेम वही सम बन चुके हैं। अगर आपको समझ नहीं आया तो बता देता हूँ, तो फर्स्ट टर्म ऑफ ए पी दे रखी है तो वो 5 हो गई है, लास्ट टर्म 45 तो ए एन 45 हो गया। आप इसको एल भी लिख सकते हो, लास्ट टर्म है ना, आप इसको एल भी लिख सकते हो, एल बराबर ए एन बराबर 45। ठीक है, क्वेश्चन की तरह सॉल्व होगा। यस, सम इज 41, एस एन 400। इसलिए मैं तुमसे कह रहा था अगर हम जो शुरुआत के थर्ड में 10 सम में टाइम लगाएंगे उसके बाद तो आप बड़े इजीली कर पाओगे, सारे सम सेम टू सेम निकलेंगे। ठीक है, और फिर कट भी रहे हैं याद दिलाना मुझे, 5.3 15 से आगे कट रहे हैं सारे, तो हम इसको जल्दी से ख़त्म करते हैं, 6 पे आते हैं। चलो चलो बताओ, फर्स्ट टर्म है 17, ए 17। अच्छा, उसने बोला फर्स्ट टर्म ऑफ ए पी 17 और ए एन दे रखा 350। लास्ट टर्म एल बोलो, जो लास्ट टर्म बोलता है ना उसको आप एल बोला करो, तो सर उसको ऊपर भी एल है, तो एल लिख दिया मैंने, तो एल बराबर 350। सर एल और ए एन होता है, डी निकाल, डी दे रखा है 9 और डी दे रखा है 9। इसमें सम ऑफ द एन और एस एन, एस एन निकालना है, एन निकालना है, निकाल सकते हो ना बड़ी आराम से, एस एन निकाल लो और एन निकाल, एकदम थर्ड क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट की तरह होगा। वाह वाह वाह, कितनी बढ़िया जजमेंट करी है। सेवंथ करो, एस एन निकालना है, ए है 22, ए 22 नहीं है, सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स बोल रखा है, S22 S22 है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स, यानी कि आपको S22 निकालना है, D7 जहां आपको दे रखा है, D7 दे रखा है, S22 और SN दे रखा है, एंड 22nd टर्म इज AN दे रखा है, यानी A22 टर्म दे रखी है तुम्हें, 149। बड़ी आराम से S22 निकाल लोगे, है ना, एन बाई टू वाला फॉर्मूला यूज करोगे, पर सर हाँ ए एन से पहले ए निकाल लेंगे और फिर उस ए से वो एस एन, बिल्कुल पहले ए एन की हेल्प से तुम्हारा ए निकल जाएगा, ए एन की हेल्प से ए निकालना है, हाँ ए, जब एस एन उसके बाद ए एन तुम्हें ए ला के देगा, उसके बाद एस एन 22 लगा देना, कोई दिक्कत नहीं है, डी तुम्हारे पास है, ए तुम यहाँ से निकाल लोगे। चलो एट सम, एस एन से अगर ए निकालना चाहेगी तो एस एन की कोई वैल्यू भी होनी चाहिए, S22 की कोई वैल्यू होती तो निकाल सकती थी, है ना, फिर कुछ वैल्यू पुट करते ना उसके आगे फॉर्मूले के आगे। एट बताओ, S51 फाइंड करना है, S51 फाइंड आउट करना है, इसकी सेकंड टर्म दे रखी है 14, सेकंड टर्म दे रखी है 14, A2 हाँ, A2 दे रखा है ना पक्का, और A3 18, A2 14 दे रखी है और A3 18, A3 दे रखी है 18। अब इससे हमें डिफरेंस तो पता चल जाएगा, डिफरेंस पता चल जाएगा, A3 में से A2 घटाओगे तो डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, पहले D निकाल के देख लेते हैं, A3 माइनस A2 जो 18 में से 14 जाने पर 4 आपको मिलेगा, 4। अब हमें D और, अब आपको D पता है, A भी इजीली निकल जाएगा, A भी आप निकाल सकते हो, A2 में से D घटा के A निकाल लोगे, A में निकाल के बताता हूँ, A निकालना है तो A2 माइनस D करना पड़ेगा आपको, यानी कि 14 माइनस D की वैल्यू, अरे 4 है ना, 4 यानी कि ए आपके पास आ गया 10। अब ए भी है, डी भी, आप कुछ भी निकाल सकते हो, आपका फंड आसान हो चुका है। नहीं, अब S51 निकालना बड़ी इजीली निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, एन की वैल्यू निकलेगी पहले तो, अरे एरिन 51, S51 नहीं पूछ रहा वो, नहीं हाँ तो एन की वैल्यू 51 हो जाएगी, और नहीं तो चलो आगे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 9, S7 फाइंड करना है, फाइंड फर्स्ट 7 टर्म्स, S7, हाँ जी बोलो आगे, बोल बेटा, छुट्टी हो गई, एक मिनट ठहर जा, तो याद कर ले बेटा, हर चैप्टर के पीछे से जो होते हैं ना न्यू टर्म्स वो याद कर ले। क्वेश्चन नंबर 9 कर रहे हैं ना, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एन ए पी इज 49, भाई फर्स्ट 7 टर्म्स का सम दे रखा है 49, S7 दे रखा आपको कितना 49, निकालना नहीं है, ये दे रखा है S7 और आगे दैट ऑफ 17 टर्म इज 29 एंड दैट ऑफ 17 टर्म इज 29 और जो 17 टर्म्स का सम है वो है 29, S17 जो तुम्हें दे रखा है वो दे रखा है
289. फाइंड द सम ऑफ एन टर्म्स, आपको एस एन निकालना है। तो सर अभी आप एस एन एस सात दे रखा है, 17 दे रखा है, एस एन निकालना है। एस एन कैसे निकालोगे, इन दोनों की हेल्प से आप इक्वेशन बना लोगे जहाँ से आप एक वैल्यू। पहले क्वेश्चन को समझाती थी वो मैं एसएससी दे रखा है। हाँ हाँ ये तो समझा रहा हूँ। देखो एस सात और एस 17 की हेल्प से दो इक्वेशन बन जाएंगे, जिन इक्वेशन में एलिमिनेशन मेथड का यूज करते हुए हम ए निकाल लेंगे और डी निकाल लेंगे। ए और डी निकाल लेंगे फिर हम एस एन वाले फॉर्मूले को यूज करेंगे। हम बोलेंगे एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ब्रैकेट ओपन टू ए प्लस एन माइनस वन डी बोलेंगे हम इस तरह से, ठीक है। क्योंकि इसमें एन की वैल्यू कोई दे नहीं रखे तो एक ए की वैल्यू पुट कर देंगे, हाँ डी की वैल्यू पुट कर देंगे, थोड़ा बहुत जो सॉल्व होगा एन की फॉर्म में उस आंसर को छोड़ देंगे। पूछो बेटा ये फ़र्क है, ये फ़र्क है। जैसे कोई ए पी है मेरे पास, जैसे मान के चलो ये ए पी है, यहाँ अलग अलग नंबर है, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, जस्ट अब एग्जाम्पल के तौर में आपको समझाता हूँ, ठीक है। आपको एक दे रखा है एस थ्री, यानी पहले तीन संख्याओं का टर्म, ठीक है। फिर आपको दे रखा है एस सिक्स, ठीक है। बट इस ये तो आगे तक जा रही है, ए पी तो आगे तक जा रही है, तो वो पूछेगा कि भाई एस एन बताओ कि एस एन कितना होगा। दो चीज़ दे रखी है एस थ्री एस सिक्स। अब देखो एस थ्री देखो मतलब पहली तीन संख्याओं का जोड़, एस सिक्स मतलब पहली छः संख्याओं का जोड़, ठीक है। और एस एन मतलब इनफाइनाइट एन संख्याओं का जोड़, बस एन की वैल्यू पुट करो उन संख्या का जोड़ पता चल जाएगा। हाँ तो इसलिए तो एन बोल रखा है हमने, इनफाइनाइट हो सकती है, जनरल टर्म में आंसर आ जाएगा एन की फॉर्म में, एन की कोई वैल्यू पुट नहीं करनी हमें, ठीक है। समझ में आ गई ए और डी कैसे निकलेंगे, समझ में नहीं आया तो मैं करके दिखा देता हूँ थोड़ा सा, तुम्हें बड़ी आसानी से बन जाएगी। यस नाइन्थ और टेंथ बताओ। आपको ए वन ए टू इस तरह से करके ए एन दे रखा है, फॉर्म एन ए पी वेयर ए एन इज डिफाइंड एज ब्लो, ए एन इस तरह डिफाइन किया जाता है। आल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स। अच्छा इस जैसे कि आपको ना इस तरह के सम आसान है, ए एन आपको दे रखा है 3 प्लस 4 एन, फर्स्ट टर्म में आपको करके दिखा रहा हूँ, है ना। सेकेंड तो आप बड़ी ईजिली कर ही लोगे, फिर इसकी हेल्प से आप ए पी बना लो। पहले ए वन निकाल लो 3 प्लस एन की जगह 1 पुट करके, यानी कि 7 आ चुका है, ठीक है। साइड में लिख दो 7 एन क्या पुट किस तरह पे एन की जगह पे 1 क्यों, पहले टर्म निकालेंगे एपी की, दूसरे निकालेंगे, तीसरे निकालेंगे, चौथे निकालेंगे, पांचवे निकालेंगे, छठे निकालेंगे, बल्कि शुरुआत के दो तीन टर्म में निकाल लेंगे। हाँ पहले एपी तो बराबर होनी चाहिए, अभी तो 15 टर्म्स का सम निकालेंगे। हाँ पहले ए वन निकाल लिया, फिर ए टू निकाल देता हूँ, 3 प्लस 4 इंटू 2 3 प्लस 8 आठ और 3 11 फिर 2 आ गया हमारे पास 11। इस तरह से आगे चलो डैश 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 कर देता हूँ एन। हाँ फिर क्या हो गया बोलो, क्या कन्फ्यूजन है बताओ मुझे। अब आपने इसमें एन एन वन ले लो आप। हाँ एन नंबर ऑफ टर्म्स को काउंट करते हैं, अगर एन में 1 पुट करूँगा तो पहली टर्म को ही बताएगा, एन टू पुट करूँगा दूसरे टर्म को बताएगा, 3 पुट करूँगा थर्ड टर्म को बताएगा। बट एन को अगर मैं एन डी पुट करूँगा तो फिर तो एन टर्म्स को बताएगा वो। अगर एन को मैं डिफाइन कर रहा हूँ कि एन एक है तो पहली टर्म को दिखाएगा ना वो, अगर एन को मैं 2 पुट करूँगा तो दूसरे टर्म को दिखाएगा। एन को अगर आपने ए वन निकाला पहले मैंने, ए वन आपको दे रखा है, ए वन कहाँ दे रखा है, ए वन 3 प्लस में 4 इंटू 1 तो 7 आएगा, 7 आया हमारे पास, समझ में आया। और ए टू में आपने 2 पुट किया हुआ है और नहीं तो हाँ, बल्कि ज़्यादा आगे करने की जरूरत नहीं है, दो तीन टर्म निकाल लो, 7 11 है, डी कितना आया इसका, डी आपके पास 4, तो अगली टर्म आ जाएगी 15, 11 4 15, इस तरह से ए पी बनती चली जाती है। दो तीन टर्म निकाल लो आपको, एस 15 निकालना है ना बस, हमारा काम तो एस 15 निकालना है, ए पी हमने